अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आपका भाई बजाज हुसैन हाजिर है आप लोगों के लिए। जिस जिस भाई को ये इंडिकेटर के बारे में जानना हो या चाहिए हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट्स में जो जिन जिन लोगों ने प्रॉफिट करा है, इंशाल्लाह मैं फ्री होकर आपको उनके प्रॉफिट्स भी शेयर करूंगा जो उनकी चैट्स हैं। अच्छा, अभी गोल्ड की सिचुएशन हमें कुछ ये दिख रही है। यहाँ पे गोल्ड ने ये वाली रेंज ब्रेक कर दी ऊपर वाली, जैसे कल मैंने आपको नीचे वाली रेंज बताई थी। उसके बाद हमारा जो टारगेट मैंने बताया था, देखें जिस बंदे ने टारगेट रखा होगा वही बंदा कामयाब रह सकता है, जो टारगेट नहीं रखेगा वो बंदा कामयाब नहीं रहेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाली रेंज ब्रेक होगी, सही है, ये वाली रेंज ब्रेक होगी उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट हमारा 30 पिप्स, दूसरा टारगेट 50 पिप्स, तीसरा टारगेट 100 पिप्स। तो यहाँ से हमारा कोई 70 पिप्स गई थी, मतलब 50 पिप्स वाला हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ था। और हमने अगर पहले ली थी तो पहले भी हमारे अच्छा प्रॉफिट हुआ था, ये वाले इस लेवल से भी अगर हमने ली थी तो, सही है, क्योंकि टेक्निकली ये लेवल बन रहा था। अभी ये जो है करंट सिचुएशन में, ये वाली जो हमारी रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक होके इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है। लेकिन जो फिल वक्त H1 में ये वाली जो कैंडल बनी है ब्लैक वाली, तो ये कुछ चांस दे सकती है हमें यहाँ तक की सेल की, सही है। अगर इसने इसको ब्रेक करा इस लेवल को, 58 वाले लेवल को, तो यहाँ से तकरीबन 50 पिप की सेल देगी। लेकिन मेन ट्रेंड बाइंग दिखा रहा है, जब तक अनलेस ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो, आप सेलिंग में नहीं आए, तब तक आप बाइंग में ही रहें तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। ये वाली एक दफ़ा ब्रेक हो जाए उसके बाद फिर आप सेलिंग में आ सकते हैं, तो वो आपको सेलिंग में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, सही है। बाइंग का टारगेट क्या है? बाइंग यहाँ से भी आप ले सकते हैं जिस एरिया पे है, क्योंकि ये रेंज ब्रेक करके ये वाली जो है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गई है। और यहाँ से आप जो है अपनी बाइंग कर सकते हैं, 65 तक की सेफ बाइंग है आपकी तकरीबन, ये कोई 70 पिप्स हैं 65 तक की, यहाँ पे सेफ सेफ बाइंग है आपकी। उसके अलावा 65 के अलावा जो है यहाँ से अगर 65 कोई ब्रेक करता है तो फिर आपकी बाइंग कहाँ तक की है मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर आपकी बाइंग है, अपना अल्लाह वाला करे, तकरीबन 1794 तक की। लेकिन हम टारगेट रखेंगे 1790 का, 1794 नहीं, 1790 का, 1789 ये वाला हमारा टारगेट होगा। इस एरिया को मैं आपको बैक हैंड पे भी दिखा देता हूँ, ये एरिया हमारा, क्यों मैंने आपको ये एरिया बताया है, ये देख रहे हैं आप रिजेक्शंस प्रीवियस, सही है। इसके अलावा भी आपको इस एरिया पे, यहाँ पे 89 पे 10 पिप पहले ही आपको रिजेक्शंस मिलनी है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी आप अपनी बाइंग क्लोज कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से बाय में जाती है तो, सही है। ये बाइंग की हो गई, सेलिंग का मैंने आपको बता दिया। सेलिंग आप कब एक्यूरेट सेल ले सकते हैं? जब भी आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक हो गई कैंडल की बॉडी, जैसे बॉडी है बॉडी नीचे क्लोज हो। अब यहाँ क्या हुआ, ये हमारे पास लेवल तो बहुत वैलिड था लेकिन इस वैलिड लेवल के नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई। अगर नीचे बॉडी क्लोज हुई जाती तो मजीद सेलिंग में आती मार्केट, मजीद जो 1770 तक आती। लेकिन यह यहाँ से आके इसने यहाँ से सप्लाई ली और सप्लाई लेके मार्केट ऊपर की साइड चली गई, सही है। बाकी हर भाई सब भाई अपना ख्याल रखें, किसी का कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला मसाइल आ रहा हो तो भाई को याद करें, कोई मसले वाली बात नहीं है, भाई हाजिर है आपके लिए 24/7, सही है। कॉलिंग टाइमिंग है रात 8 से रात 10 बजे तक की, दो टाइम पे आप कॉल करें मुझे, मैं आपके सारी जो भी मसले मसाइल होंगे वो आपके रिजॉल्व कर दूंगा। ब्रोकर्स के हवाले से आपको कोई मसला आ रहा है, कौन सा ब्रोकर सही है कौन सा ब्रोकर गलत है, उसके हवाले से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, सही है। SL हंटिंग का कोई इशू आ रहा हो या किसी भी चीज़ का कोई इशू आ रहा हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। आपका भाई आप लोग के लिए हमेशा हाजिर है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप इन सब जगह, इन सारे सोशल मीडियम से मुझे देख सकते हैं, इन सारे सोशल मीडियम पे आपको मिल जाऊंगा मैं। कांटेक्ट करना हो तो मैसेज कर सकते हैं सारे सोशल मीडियम्स पे। उसके अलावा जो है किसी को कॉल करनी हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, टाइमिंग रात 8 से रात 10 बजे की, सही है। सब ने ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।